नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिनभर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिनभर में हम आज चर्चा करेंगे एक सियासी विषय पे। दरअसल मध्य प्रदेश में एमपी बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन मॉडल और इलेक्शन मॉडल अब अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अपनाने जा रही है। जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और जिन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, वहां पर एमपी बीजेपी के नेताओं को सिर्फ कमान नहीं सौंपी गई, बल्कि एमपी के बीजेपी के इलेक्शन लड़ने के मॉडल के बारे में बकायदा जो है वो क्लासेस हो रही है, यानी कि बताया जा रहा है कि किस तरह से चुनाव मध्य प्रदेश में लड़के जीत हासिल की गई। इस पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले प्रदेश के दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो आज शिक्षक दिवस है, लेकिन शिक्षक दिवस के दिन भी शिक्षक किस तरह परेशान है, इसकी कई सारी वानगी मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में अलग अलग प्रदर्शनों के जरिए दिखे। डीपीआई से लेकर नीलम पार्क तक शिक्षक प्रदर्शन करते नजर आए। एक तरफ जो शिक्षक हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, एक तरफ वो शिक्षक है जिनको नियुक्ति नहीं मिल रही, एक तरफ वो शिक्षक है जिनको पदोन्नति नहीं मिल रही। और इन्हीं तमाम परेशानियों के बीच शिक्षक आज प्रदर्शन करते नजर आए और बड़ी संख्या में विरोध दर्ज कराने पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से राजधानी भोपाल पहुंचे और नीलम पार्क और डीपीआई में प्रदर्शन किए। एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर के सांवेर से। सांवेर विधानसभा क्षेत्र से मंत्री तुलसी सिलावट विधायक हैं, लेकिन इतने बड़े कद के मंत्री के क्षेत्र में हालत ये है कि वहां के रहवासियों को मंत्री के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। दरअसल ये प्रदर्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके क्षेत्रों में सफाई नहीं हो रही, जिसके चलते डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तुलसी सिलावट जो अपना कद रखते हैं, कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, और उनकी अगर आप बातें सुनेंगे अपने क्षेत्र के बारे में तो कुछ अलग होगी, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। कल उनके पिता का निधन हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी में डटे रहे। तमाम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाम को अलग अलग जिलों के कलेक्टरों से बात की, जहां जहां अलग अलग तरीके की मॉनिटरिंग की जरूरत थी और निर्देशों की जरूरत थी वो दिए। दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय नजर आए, चूंकि वो शिक्षकों को बहुत मानते हैं, इसलिए बकायदा शिक्षकों के सम्मान के अलग अलग कार्यक्रमों में कहीं वीसी के जरिए तो कहीं सीधे पहुंचे। और ये बताता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री संवेदनशील भी हैं, लेकिन अपने से ज्यादा अपने प्रदेश के प्रति कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। बकायदा उन्होंने अधिकारियों से बात भी की और शिक्षक सम्मान में जो है वो वीसी के जरिए भाग लिया। क्या कहा इस दौरान मुख्यमंत्री ने, वो सुनते हैं। इस अवसर पर सभी सम्मानित होने वाले सम्मानित शिक्षकगण, बड़ी संख्या में सभी उपस्थित आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, बोली भाषा इसका क्रमशः विकास होता जाता है। अभी मैं प्रश्न अगर उठाऊं कि बोली से भाषा में आने के लिए जब बोली भाषा में बदलती है तो भाषा से बोली का विकास, जैसे हिंदी का विकास, अगर हम इसके अतीत में जाए तो 1000 साल का हमारे हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी की मात्र भाषा अगर पकड़े तो संस्कृत है, और बोली पकड़े तो अपने देश की अलग अलग, खास करके खड़ी भाषा से हमारी अपनी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। समय के साथ शब्द बढ़ते गए तो इसमें बड़ी भूमिका तुलसीदास जी की भी है। जब उनने संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बाद भी वो चाहते तो संस्कृत में रामायण की रचना करते, लेकिन वाल्मीकि रामायण थी पहले से, लेकिन सर्वसुलभ भाषा में हिंदी को एक तरह से समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए बड़ी भूमिका उनकी रही। अब पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी की तैयारियों की तरफ। गणेश उत्सव आ रहा है और गणेश उत्सव को लेकर लगातार सरकार से लेकर अलग अलग सामाजिक संगठन अपील कर रहे हैं इको फ्रेंडली गणेश जी जो हैं उनकी स्थापना की। अगर हम गणेश जी की बात करें तो बहुत जगह ये कंफ्यूजन होता है भक्तों को कि मिट्टी के गणेश जी कहाँ से लें,
लेकिन बकायदा कुछ ऐसी जगह हैं जहां पूरी तरह इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए जा रहे हैं, वो भी बड़ी खूबसूरती से। और इन गणेश जी को आप चमत्कारी गणेश जी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इन गणेश जी को आप विसर्जन करेंगे तो वो पौधे के रूप में आकार लेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के प्रसिद्ध मानव संग्रहालय के कलाकारों ने ऐसे गणेश जी बनाए हैं जो मिट्टी के साथ साथ उसमें चंदन, तुलसी, नीम के बीज, जो कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो मिलाए गए हैं। और जब विसर्जन करने इन्हें जल में प्रवाह किया जाएगा तो ये बीज पौधों के रूप में अंकुरित होंगे। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये गणेश जी बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल का मानव संग्रहालय अपनी अनूठी कलाओं के लिए जाना जाता है, और यहाँ के कलाकार कोशिश करते हैं उसी रूप, उसी तरीके को अपनाने की कला में जो कहीं ना कहीं प्राचीनतम कलाओं से जुड़ा है, यानी आदि कलाओं से जुड़ा है। और इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब गणेश उत्सव आता है तो गणेश उत्सव के दौरान यहाँ जो मूर्ति बनाई जाती है वो पूरी तरह इको फ्रेंडली मूर्तियाँ होती हैं। और किस तरह से ये इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, सिर्फ इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी और भी जो चीज़ें हैं, यानी कि वनस्पतिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं या उनके अवशेष होते हैं, यानी कि बीजों का भी उपयोग किया जाता है। कौन कौन से जो बीज हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं इसमें? सर, नीम के बीज है, नीम जी, चंदन के बीज हैं, नीम चंदन, इस टाइप के बीज, हाँ, इसमें डालते हैं हम इसमें, हाँ। जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो पाए। और जो है जहाँ भी हम गणेश जी को फिराएंगे तो वहाँ पे जो कोई ना कोई पेड़ जो है उसमें आ जाएगा। इन गणेश जी की विशेषता ये है जो आप देख रहे हैं, पूर्ण तरह तैयार गणेश जी भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अगर पर्यावरणीय उपलब्धि देखिए, गणेश जी का आशीर्वाद देखिए कि जब ये नदी में विसर्जित होंगे तो इसमें जो बीज उपयोग किए गए हैं उन बीजों से जो है पौधे और वृक्ष, यानी कि हरियाली भी आएगी। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासी मॉडल की, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, कुछ अन्य राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित होनी है, लेकिन इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने मध्य प्रदेश मॉडल के संदर्भ में कुछ कहा है कि मध्य प्रदेश में देखें आप किस तरह से चुनाव लड़ा गया, किस तरह से बड़ी जीत हासिल की गई। मध्य प्रदेश के सत्ता और संगठन की तारीफ हो रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का मॉडल अपनाया, जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया, जिस तरह से सदस्यता अभियान चलाए और बढ़ाए, उसके बाद जिस तरह की जीत मिली, उसने एमपी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल को अपनाने के लिए दूसरे राज्यों को मजबूर तक कर दिया है। हाईकमान ने भी निर्देश दे दिए हैं और मध्य प्रदेश के नेताओं को जो है अलग अलग जगह जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। तो ये सिर्फ इतना नहीं है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसको भी बकायदा कहा गया है संकल्प पत्र समितियों को, मैनिफेस्टो बनाने वालों को, कि एमपी बीजेपी के मॉडल और संकल्प पत्र को ध्यान में रखा जाए, मध्य प्रदेश के नेताओं से लगातार चर्चा की जाए। कई मंत्रियों को, कई नेताओं को तो अभी से वहां भेज दिया गया है सिर्फ इसीलिए। कई सारे बड़े नेता जिनमें नरोत्तम मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं, वो लगातार अन्य प्रदेशों में जाके अभी से जो है कहीं ना कहीं नेताओं को बता रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। इन नेताओं में कई बड़ी फहरिस्त है, मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग जैसे कई नाम शामिल है। विधायकों की बात करें तो रामेश्वर शर्मा जैसे नाम है, कृष्णा गौर जैसे नाम है। ये तमाम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं अलग अलग राज्यों में, तो समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एमपी बीजेपी का इलेक्शन मॉडल कितना सफल है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।